मोहनी बच मार्ग कृषि उपज मंडी गेट पर काली पट्टी बांधकर दशपुर मंडी व्यापारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। मंदसौर के मोहनी बच मार्ग कृषि उपज मंडी के गेट पर काली पट्टी बांधकर दशपुर मंडी व्यापारियों ने एकत्रित होकर 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। दशपुर मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र नाहर ने मीडिया से चर्चा करते हुए 12:45 पर बुधवार को बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अब आज हम लोगों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर काली पट्टी बांधकर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मेन प्रमुख मांग है लीज नवीनीकरण, जो लगभग 2-2.5 साल हो गए लीज नवीनीकरण नहीं की जा रही है। लगभग 82 गोदाम है हमारे यहाँ लीज वाले, और जो एक मंडी टैक्स उसको भी कम किया जाए, और जो निराश्रित शुल्क लगता है बहुत वर्षों से लगा आ रहा है उसको भी समाप्त किया जाए, और जो हमारे यहाँ व्यापारिक लाइसेंस है उसको आजीवन किया जाए एवं और अन्य 11 मांगे उसको शासन से विनती है कि तत्काल उसको पूरी की जाए। और हम महासंघ के आदेश से दिनांक 4 से हम हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी चालू है और आज काली पट्टी बांध के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने काली पट्टी बांध कर धरना प्रदर्शन किया है। आज हमने महासंघ के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर, जो कि हमारे लीज रेंट मंडी टैक्स को कम कर निराश्रित जो कि लग रहा है बड़े सालों से वो लग रहा है उसको हटाने और निराश्रित शुल्क हटाने और मंडी टैक्स के अंदर कुछ कटौती करने के उपलक्ष्य में हम लोग आज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि महासंघ के आह्वान पर हम उनके साथ हैं। आज हम काली पट्टी बांधकर सभी व्यापारीगण मंडी गेट पर बैठे हैं, काली पट्टी बांधकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।